नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हम ट्रिक आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल में, कि अब कोई सा गीत जो है हम कैसे निकालें, कोई सा भी गाना हो उसे हम कैसे निकालेंगे कि पैटर्न बनाकर। मतलब कहने का मतलब है, जब हम ईंट से ईंट लगाते हैं तभी दीवार बनती है, ठीक है। अगर एक हवा में दीवार नहीं रुकती है, कहने का मतलब ये हो जाता है, जब ईंट से ईंट हम जोड़ेंगे तभी एक दीवार बनती है और तभी जो है उस पर छत रख पाती है। समझ गए हो? तो जो है आज वो हम ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप लोगों को कोई सा भी गीत जो हो, कुछ भी हो, आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छी तरीके से एक ही साथ में उस गाने को आप लोग प्ले कर पाएंगे। और थोड़ी समस्या हो गई थी, इसलिए वीडियो हम यूट्यूब पर बहुत कम बना रहे थे, क्योंकि आप लोग जब देखते ही नहीं हो तो फिर बनाने का फ़ायदा ही क्या है। काफ़ी फोन आ चुके हैं, गुरुजी जो है आप अपलोड कीजिए वीडियो अपने। तो जो है हमने सोचा जो है आपको 100 वीडियो की जगह पर सिर्फ जो है एक ऐसा वीडियो दें जिससे जो है हर गीत निकले, चाहे वो ब्रजेश लाइन में हो, चाहे क्लासिकल में हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पैटर्न बना रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से देखिए तभी आपके, और उसे समझिए उस बात को कि हर गीत जो है उसका निकालने का तरीका क्या होता है। मैं सबकी तरह हवा में नहीं फेंकता हूँ, टाइटल और थंबनेल में लिख देते हैं कि हाँ अब निकलेगा हर गीत, अब निकलेगा हर गाना, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, निकलता कुछ नहीं है। लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, लिख देते हैं सिर्फ कि हाँ ऐसे ऐसे गाना निकलेगा, लेकिन गाना निकलता ही नहीं है उस तरीके से, है ना। आप लोगों ने प्रयास जरूर किया होंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको पता पता चला होगा कि हाँ उसमें लिखा होगा टाइटल में और थंबनेल बना होगा, उसमें लिखा होगा अब निकलेगा आपका हर गीत, अब निकलेगा हर गाना आपका। तो जो है बाद में जो है बहुत 100% में तो जो है बहुत दिमाग अगर आपके पास है तभी निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकल पाता है, ठीक है। आज जो तरीका हम बता रहे हैं इससे आप जो है अगर जीरो से भी हैं तो भी जो है आप लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो जो है हम आपको एक चीज़ ये क्लियर करा रहे हैं कि जो है अपना सारे गामा जो है आपका कंप्लीट ही होगा, इस अलंकार को आप लोगों को बहुत जरूरी करना है। जैसे सारे रे गामा गामा पा म पा धानी धानी सा सानी समझ रहे हो ना। पा मगा रे गारे सा, ये तो अलंकार आपको जरूरी करना है बहुत जल्दी स्पीड में। पहले तो ये समझ लें, कोई सा गीत निकालने के लिए इस अलंकार को बहुत जरूरी होता है। इस चीज को इतनी जल्दी से आप लोगों को सारे गारे इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो अलंकार क्लियर करने के बाद में सब देखते रहिएगा वीडियो, काटिएगा बिल्कुल नहीं, अगर काट दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं आपको होगी, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाथ जोड़कर निवेदन है, डाउनलोड मत कीजिएगा, ये करभद्र निवेदन है हमारा, और जो है आप लोगों का ही साथ है। साथ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे कोई वीडियो बनाए फायदा है। तो देखिए किस तरीके से हम एक पैटर्न बनाते हैं, उसको हम निकालने की उसे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है एक नंबर यहाँ पर लिया, ठीक है, अपनी सा, ठीक है, सा एक नंबर अपना क्लियर किया, ठीक है। अब समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर यह गारंटी है कि आपके जरूर समझ में आएगा। अब एक नंबर हमारा सा हो गया, ठीक है। अब सा के बाद में हमको जो है उतार करना है गीत का, कि चढ़ाव करना है कि सीधा जाना है, ठीक है। मतलब गाने का उतार करना है या चढ़ाव करना है या फिर सीधा जाना है। गीत में तीन तरह का मोड़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है ज़्यादातर क्या होता है एक नंबर से, समझिएगा, जैसे एक नंबर ये है, ठीक है, एक नंबर ये हो गया,
यहाँ से बहुत से गीत जो हैं वो सीधे जाते हैं, बहुत से गीत जो सीधे चले जाते हैं ऊपर ऊपर पर ऊपर काली काली बटनों पर, अगर हम इससे सामान के चलते हैं तो ठीक है। ज़्यादातर जो है सा इसी को लोग मानते हैं, और कुल गीत जो है वो नीचे होकर चढ़ते हैं, ठीक है, नीचे होकर चढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। कुल ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जिन्हों जो मतलब नीचे गीत और राग जो होते हैं वो नीचे से उठकर चलते हैं। बहुत ऐसे राग और गीत होते हैं जो हमारे सीधे जाते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब क्रम बाई क्रम चलते हैं, क्रम बाई क्रम, जैसे क्रम बाई यहाँ से फिर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से फिर और आगे बढ़ गया, ये तरीका, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिए इस पैटर्न को। अभी फिर हम प्रूफ से आपको समझाते हैं, तब आपके क्लियरली समझ में आएगा, करेक्टली तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे गीत हो गए, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और वैसे ही इसका 2 नंबर, 3 नंबर, और ए, ए, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये सॉरी 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। अब ये हमारा एक चक्र हो गया, ठीक है। अब इस चक्र को हमें समझना होगा कि कैसे कैसे गीत हमको जो है उठाने हैं, और कैसे कैसे हमको क्या क्या करना होता है, एक चढ़ाव उतार गीत का, और जो है कौन सा गीत कैसे भी, बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम पहला ले रहे हैं, पहला यहाँ पर नंबर एक स्टेप बना रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका सबसे पहला जो है हम सीधा उठने का तरीका समझा रहे हैं, नंबर एक समझते हैं, ठीक है, नंबर एक से। जैसे ऐसे गीत हो गए जैसे जिनकी अंतरा भी सीधी जाती है, और इसमें की जैसे ये हो गया, ठीक हमारा, कि चलो रे सखी गंगा जमुना तीर, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सीधा पहला हो गया उठान वाला, मतलब सीधा उठाई चला गया। इसमें जो है ब्रेक हमको शुरुआत में नीचे की तरफ लेना पड़ा, ठीक है, यानी कि इस पहले नंबर से इधर ब्रेक लेना पड़ा, थोड़ा सा उठाकर इसे चलना पड़ा, मतलब धीमे सुर को दबाकर नीचे से उठाकर फिर हम उसके बाद में सीधे 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 पहुंच गए, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे एग्जाम्पल एक समझिएगा, तरीका समझिए, जैसे चलो रे सखी गंगा जमुना चलो रे सखी गंगा यमुना तीर। अब हमें यहाँ पर सीधा वाले पर, अब सीधा यहीं पर रुके आकर, नीचे तो रुकना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ तक सीधा मतलब सीधा ही गीत चल रहा है और लास्ट में रुक रहा है, आवाज़ जो है मैं एक जगह पर रुक रही है हमारी, एग्जैक्टली जो है एक जगह पर रुक जाती है ऐसे ही, चलो रे सखी गंगा यमुना चलो रे मनु गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, और निर्मल हो तो शरीर, चलो रे सखी गंगा यमुना तीर। तो इसे हमारा पहले में क्या हुआ कि हमारा जो है सीधा सीधा गीत सीधा सीधा चला। और देखिए जैसे कुल ऐसे गीत हैं जो खाली मेल होते हैं, और कुल ऐसे गीत होते हैं जो फीमेल, मतलब कहने का मतलब जो है कि कुल ऐसे गीत हैं जो एक ही ताल से बज जाते हैं, एक ही हाथ से बजा, कुल ऐसे कि दोनों में ताली जैसे दोनों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत से ऐसे गीत जैसे इसमें जो है सुरों का खेल होता है, मेन चीज़ होती है सुरों का खेल। अगर हम नीचे सात से उसी चीज़ को निकालें तो कुल बटने ऐसी होती हैं कि नीचे ही नीचे हमारे में पूरी गाना निकल आता है। कुल ऐसे गीत होते हैं जिन्हें हमें ऊपर नीचे यानी कि ऊपर नीचे दोनों सुर काले और सफ़ेद बटनों को लेना पड़ता है। बहुत ऐसे गीत हो गए, ये आवाज़ के तरफ होता है, आपकी आवाज़ कौन से सुर पर मैच कर रही है ये चीज़ पर डिपेंड। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा स्टेप समझते हैं, जैसे ये तो हमारा जो है लास्ट सा तक गया, यानी कि सीधा सीधा चला हमारा गीत, जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप रुकना पड़ा इधर उधर, ठीक है।
अब हम दूसरा तरीका ये जैसे सा से उठा, ठीक है, सा से सा और सीधा हमारा सा से पा पर पहुंचे, ठीक है, यानी कि सा रे गा मा को छोड़कर, यानी कि रे गा और मा को छोड़कर, ठीक है, रे गा मा, ठीक है, जिसमें हमारा कोमल रे और कोमल गा ये दोनों छूट गए, हम सीधा हमारे पा पर पहुंचे, ठीक है, उसके बाद में हम मा पर आए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो है ये हमारा मतलब आधी तोड़ी पर गीत है। कहने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि ये ऐसे गीत जो होते हैं, जब ऐसे गीतों को निकाला जाता है तो आवाज़ जो है हमें कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मैच करनी होती है, यहाँ तक, जहाँ तक अगर हम इस चीज़ को ऐसे निकालें यशोमती मई, तो आवाज़ तो हमारी वहाँ पर चली जाए, लेकिन जो है गाने के जब हम पीछे लेकर आएंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आवाज़ को समझिए पहले, यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोदी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोदी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली ललन को बताया काली अंधियारी काली रात में तू आया, काली अंधियारी काली रात में तू आया। इसमें क्या है, जैसे गाना कोई सा हो, जब तक हमें ये सुर नहीं पता चलेंगे एग्जैक्टली, तब तक हम गीत को कभी निकाल नहीं पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है, 100 की 1 बात है 1000 बातें नहीं, कोई सा भी गीत गाने, जब भी हम फिल्मी गाना या कोई सा भी गीत निकालें तो सबसे पहले उसका म्यूजिक समझ लें, गीत के बोल समझ लें, और सबसे पहले सा से पा मतलब जहाँ तक वो जा रहा है गीत को, उस चीज़ को समझें। जब तक हमको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बात को मान लें, जब तक हमारे पास रोटी नहीं होगी तो हमारा पेट भरेगा कैसे, जब तक हमारे पास वो सुर नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उस गीत के सुरों को ढूंढना हो जाता है। अब सुर को ढूंढना कैसे हो जाता है, सुर को ऐसे ढूंढा जा सकते हैं, अगर किसी गीत को आप बजा रहे हैं एग्जैक्टली मोबाइल में बजा लीजिए, उसके बाद में चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो यहाँ से हो, या यहाँ से यहाँ पर आता हो, जैसे बहुत से ऐसे गीत हो गए, जैसे ऐसे भी गीत हो गए जो हमारे माई से उठते हैं, ऐसे बहुत से और ऐसे गीत हो गए जो हमारे, जैसे ऐसे बहुत से गीत हो गए जो हमारे हमारे नी से उठते हैं, इस सप्तक के नी से उठते हैं, तो ऐसे बहुत सारे गीत हो गए जो हमें उनको समझना हो जाता है। तो ये तो हो गई फिल्मी लाइन वाले भजनों की बात, और फिल्मी लाइन के भजन जो हैं ऐसे ही हम जो है देहाती लाइन में इसी पैटर्न को समझ कर देहाती में जो है गीत को निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।